पढ़ाई करने की उम्र में कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली फरीजा मंसूरी भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। फरीजा, सबसे पहले बताओ, आपको कैसे कला के क्षेत्र में इतना इंटरेस्ट बढ़ा? अभी आपकी उम्र कम है, किस क्लास में पढ़ती थी? अपने बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दी। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ और मुझे इसका इंटरेस्ट हुआ बचपन से ही। मुझे इंटरेस्ट था और जैसे जैसे मैं बनाती गई ड्राइंग उतना ही इंटरेस्ट और बढ़ता गया और ज़्यादा मन करने कब लगा। कब आपने शुरू किया था ड्राइंग की शुरुआत आपने कब की थी? मैंने सुना लॉकडाउन में आपने शुरू किया। जी, लॉकडाउन में थोड़ी बहुत पिक्चर्स यूट्यूब पे देख के बनाते थे, तो उसके बाद धीरे धीरे खुद से बनाने की कोशिश करने लगा। अभी तक आपने किन किन लोगों की पिक्चर्स बनाई और उनको आपने दिया, फिर किस तरह से आपको प्रोत्साहन मिला है लोगों? मैंने डीएम मैम को और सांसद जी को, एसपी सर को और हमारे स्पीकर को, ओम बिरला जी को और भी बहुत सारे लोगों को दिया है। सबने मुझे बहुत अच्छा, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और सब लोगों के चेहरे पे एक खुशी थी, मुस्कुराहट थी। सब लोग उसको देखकर स्माइल कर रहे थे, कह रहे थे बहुत ही अच्छा बनाया है। बताइए, आपने अभी तक जो चित्र बनाने की आपकी कला है, कितनी देर में आप चित्र तैयार कर देती हैं? कैसे आप मन में कलाकृति बनाती हैं या फिर देख के हूबहू आप बनाती हैं, कैसे आप बनाती हैं? अभी तो देख के बना रहे, लेकिन ट्राई करते हैं कि बिना देख के भी बना लें और 10 से 15 मिनट में हम बना लेते हैं। और स्केचिंग में टाइम लगती है और जब शेड करो तब टाइम लगता है या फिर ब्लेंड करो तब टाइम लगता है। इसमें आपके परिवार के लोगों का, आपके माता पिता का कितना सहयोग रहा जब आपने इसकी शुरुआत की? फिर वो आपसे पूछे में कि आपको पढ़ के कुछ अधिकारी अफसर बनना है, तो आपने कहा नहीं, आपको कला में क्षेत्र, तो उनका कितना सपोर्ट मिला? उनका पूरा सपोर्ट मिला, वो अभी भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, हमेशा से वो सपोर्ट करते आ रहे हैं। और जहाँ कहीं पे भी मिस्टेक होती है वो उसको बताते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, चाहे वो ड्राइंग में हो चाहे किसी चीज़ में हो, और वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। ये बताइए, जो आप चित्र बनाती हैं, इसके जो सामान आपको कलर होते हैं, पेपर होते हैं, वो कैसे आपको मिलते हैं, कहाँ से आप मंगाती हैं? वो आसानी से मिल जाती है या उसके लिए आपको कहीं बाहर से मंगाना पड़ता है? आसानी से नहीं मिलते हैं, बाहर से मंगवाना पड़ता है। यहाँ पे बहुत कम ही सामान मिलते हैं, एक दो सामान उसमें से, तो ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। मैंने सुना कि आप ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दे रही हैं अपने सहयोगी छात्र छात्राओं को, किस तरीके से आप स्क्रैच करती हैं, कला बनाती हैं, इसके क्षेत्र में कैसे आप उनको सिखा रही हैं? जो कला आपके अंदर है वो कला को आप कैसे आप दूसरों को बता रही हैं? वीडियो के द्वारा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैं पोस्ट करती हूँ वीडियो, और उसमें जब टाइम रहता है तो पूरा वीडियो बना के फिर फास्ट करके हम पोस्ट कर देते हैं, नहीं तो अगर टाइम नहीं रहता तो वापस पोस्ट कर देते हैं। ये फरीदा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी। इन्होंने बताया कि लॉकडाउन में इन्होंने शुरुआत की थी कला के क्षेत्र में, इन्होंने इनकी विशेष रुचि है और इनके घर के लोगों का भी इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ड्राइंग आर्टिस्ट फरीदा मंसूरी के फादर हमारे साथ मौजूद हैं, मुनव्वर हुसैन जी। सर, ये बताइए, आपकी बेटी कला के क्षेत्र में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आपने सोचा था कि कभी ये इस तरीके से लोगों के स्केच बनाएगी, या आपने सोचा था कि हमारी बेटी पढ़ लिख के कोई अफसर बनेगी? नहीं, पहले तो हमें ये था कि पढ़ने में भी ठीक ठाक थी, तो मैं सोचा कि पहले पढ़ लिख करके कुछ अफसर वगैरह बनेगी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेगी। और इनका जो है बचपन से ही जो है इंटरेस्ट रहा है, तो ये ड्राइंग वगैरह करती थी, लेकिन लॉकडाउन में देखे ये ड्राइंग कर रही हैं और जो है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बना रही हैं फोटो। तो और इसमें जो है सारा क्रेडिट इनके मम्मी पे जाता है, क्योंकि वो जो है काफ़ी जो है इनको सपोर्ट करती हैं। और हमसे इन्होंने कहा कि ये सामान चाहिए ड्राइंग के लिए, कैनवास वगैरह, तो पहले हम बस्ती में देखे तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। इसके बाद हमने हमने कहा बेटा कहाँ से मिलेगा, जो उन्होंने कहा ऑनलाइन आएगा, तो ऑनलाइन हमने कहा जितनी चीज़ें ज़रूरत है आप ले लीजिए, लेकिन इसको करने से पहले आप जो है अपना करियर सेलेक्ट कर लीजिए, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको जो है इम्पोज नहीं करेंगे, थोपेंगे नहीं आप अपना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है पापा, हम इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, इसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, अभी आप 10+2 तक आप अपना बनाइए, और इसमें जितना भी होगा हम लोग इसको प्रमोट करेंगे, बताएंगे, और फिर आगे जो है फर्दर जो जहाँ पे एडमिशन आप कहोगे करवा दिया जाएगा। अच्छा, जब इन्होंने ये लोगों की स्केच बनाना शुरू किया, तो वो कौन सा समय था जब इन्होंने स्केच बनाना शुरू किया? बचपन से तो ऐसा रहा नहीं होगा, क्योंकि आपने भी नहीं सोचा होगा बचपन से ये कला बनाना शुरू कर दी होंगी। कब इन्होंने स्केच बनाना शुरू किया, फिर आपको लगा कब कि
कि अब इनको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बचपन में ये लॉकडाउन में ये स्केच बना रही थी, तो उस समय अपने बस्ती में जो है आशुतोष निरंजन सर डीएम थे, तो उनकी पेंटिंग जो है इन्होंने बनाया, ड्राइंग करके कलर्ड बनाया, तो उनको जो है प्रेजेंट किया, तो डीएम सर ने कहा भी और ठीक है बेटा, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो हमने हमें लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है। फिर बाद में हमें रूप से तो इसका जो ये जो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कह लीजिए, तो वैसा कोई है नहीं कि इसके लिए कोई चार्ज कर रही या कुछ कर रही, जो कुछ भी बनाती है व्हाटएवर, तो उसको जो है उस पर पोस्ट कर देती, और जो इससे जुड़े हुए हैं जो लोग फॉलोअर्स हैं तो उससे उनको हेल्प मिलती है। तो ऐसा कोई नहीं कि अभी ये क्लास दे रही हैं इस टाइप से पर्टिकुलर, जैसे एक होता कॉमर्शियल पर्पज़ से लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा नहीं है, अपना जो बनाती है उसी चीज़ को शेयर कर देती है। हाँ अगर कोई क्वेरीज वगैरह होता है, कोई कुछ पुटअप करता है पूछता है, तो उसको ये बता देती है। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये मुनव्वर हुसैन जी थे फरीजा मंसूरी के पिताजी, और ये अपनी बेटी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और इनका मानना है कि बच्चे को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।